हाँ तो गाइस, काफी सारे लोग कह रहे थे अपने रैंडम टीममेट को परेशान करो, मतलब उसको मार के दिखाओ, उसका रिएक्शन दिखाओ हमको। लेकिन इस चीज को करने के लिए हमसे ज्यादा हमारा टीममेट एक्साइटेड था। नहीं नहीं गाइस, वो हमारा रैंडम टीममेट नहीं, वो हमारा लंगोटिया यार है। यूं समझो कि हम दोनों एक ही सेटिंग से काम चलाते हैं, BGMI की कंट्रोल सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब भाई साहब 4 नंबर उसमें बैठ नहीं रहते, हम कह यार चले हम भी बैठ लेते हैं, बैठ के हॉर्न मारेंगे, चलने के लिए इनको कहेंगे तो ये आज आके बैठ जाएंगे, तो ये भाई साहब पेट्रोल फोड़ देंगे, ऐसे हमने एक्सपेक्टेशन की। लेकिन यार ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, 4 नंबर तो आ जाते हैं, गाड़ी के पास आ जाते हैं। अब भाई ने हमारे गैस कैन फोड़ा तो अपनी ही लंका लगवा ली, लेकिन भाई 4 नंबर को कुछ नहीं हुआ। हमने कहा यार कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो करना पड़ेगा, हम भाई नेट कुक करने कोशिश करते, साला हाथ से छूट जाता है। अब भाई इनको हम देखते हैं, 4 नंबर हमारे टीममेट को रिवाइव करता है, फिर यार हमारा सर शर्म से झुक जाता है। नहीं नहीं गाइस, 1 नंबर फिनिश हो जाता उसके लिए हमको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, 4 नंबर के लिए थोड़ी होगी, उसको तो हमको मारना है ना। अब भाई 4 नंबर ने सामने एक बोट मारा है, हमने कहा इसने बोट मारे तो उसको लूटेगी जरूर, हम IQ लगाते हैं, हम कहा जैसे ही वहाँ पे लेट के लूटेगा हम भाई नेट कुक कर लेते, नेट डाल देंगे। अब भाई नेट कुक ही हो रहा था, अब जैसे हम वहाँ पे फेंकते ही भाई साहब उठ के चल देते, हम कहें यार हमारी किस्मत झंडे की हम ही झंडे। लेकिन गाइस इन दोनों में से हम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर 4 नंबर भैया खुद हमको नेट से मारने की कोशिश करते, ये नेट कुक करते, हम कहे यार अंदर भाग लो, इनको पता चल गया कि हमारी साजिश क्या है। हम कहे यार लॉन्ग रेंज फाइट बहुत हो चुकी, हम कहे आप क्लोज रेंज फाइट लेते हैं। अब भाई साहब आप हमारे टीममेट को देखो, नहीं नहीं एक्साइटमेंट में मतलब अपने ही टीममेट को मार दो, ऐसा क्या एक्साइटमेंट यार तुम कंट्रोल। अभी यार इनका एक्साइटमेंट का परिणाम हम भर ही रहे थे, तभी देखो यार इनको लगा हम भी चल के बहती गंगा में हाथ धो ले, गंगा तो बह गई, हाथ भी नहीं धो गया इनका। अब गाइस यार 4 नंबर भाई साहब हमारे अपार्टमेंट चले जाते, हम कहे हम भी चलते वहीं से इनको लॉबी भेजेंगे, लेकिन यार तभी हमारे पीछे फायरिंग हो जाती। अब भाई साहब ये हमारा पीछा इतना दूर करते हैं जितना हम कभी अपने क्रश का भी पीछा नहीं किए थे यार, साला अपार्टमेंट तक ले गया यार कोचिंग की से। और तभी हमारे 1 नंबर भैया गर्मी दिखा के फायर करने लगते, हम कहे यार रहने दो भैया, तुमसे एक बंदा नॉक होगा नहीं और हमारा कान अलग चबा रहे हो। और इधर 4 नंबर भैया की अलग फट रही थी, एनिमी से हेड किए जा रहे। और भाई साहब आज हम ऐसी गाड़ी लिए जो बिना गाट बांधे भाई फेरे ले लेती है, और भाई साहब अभी फेरा खत्म ही नहीं हुआ तो वो बंदे पीछे आ गए और 1 नंबर को ले लिए, मतलब लेन देन यहाँ पे बरकरार चल रही। हम भाई उतर लेते, हम कहा यार इससे पहले 1 नंबर हमको गरिया इनको बचाने की कोशिश करते हैं, और तभी बिना आग जलाए धुआं निकल गया। फिर गाइस हमको भूत सवार हुआ रिवेंज लेने का टीममेट का, और भाई साहब हमने फ्लो फ्लो में एक बंदे नॉक कर दिए, और तभी भाई हम पे थर्ड पार्टी हो जाती है। शुक्र मनाओ कि साले हमारे किल ना चुरा पाए, और इसी के फिराक में हम थे कि कहीं हमारा किल ना चोरी हो जाए। हम सोच रहे थे किसी तरह एडजस्ट करके चलते उसको फिनिश कर देते, लेकिन साले हमको जाने ही नहीं दे रहे थे, हमको लगा यार अब यहाँ से हमको निकल लेना चाहिए नहीं तो बिना बिजली के हरी बत्ती जलती दिखेगी अभी। और गाइस हम यहाँ पे अपनी अधमरी गाड़ी ला के लगा देते हैं, हम कहे यार अब चलते छत पर वहीं से मारेंगे इनको सालों को, और 4 नंबर से भी निपट लेंगे। लेकिन गाइस इससे पहले हम उनका कुछ करते वो खुद ही घोड़ी बन के हमारे पास आ जाते हैं। ये देखो आप लोग सोच रहे अब मैं इसको रिवाइव करूंगा, अरे वो नूब लोग करते हैं, लेजेंड लोग पहले इसको उठाते हैं। पहले तो गाइस हमने इनको आधा अपार्टमेंट घुमाया, फिर ला के यहाँ पे पटकते, हम कहा यार इसको थोड़ा इमोट करके दिखाया जाए। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये कुछ कह क्यों नहीं रहा है। अब गाइस हम सोचते हैं इनको एक बार फिर से नीचे ले चले, तभी एक बंदा हम पे पुश कर देता है। अब गाइस रुको, इनका पहले हम फ्यूचर ब्राइट कर देते हैं, मतलब पेटी थोड़ी इनकी ब्राइट कर देते हैं। हाँ अब गाइस हम देखो इनको क्या करते हैं। हाँ तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये हमको कुछ कह क्यों नहीं रहा है, गाली वाली कह नहीं दे रहा है। देखो यार वक्त हालात और फिल्टर इंसान को अक्सर बदल देता है, तो अगर ये हमको कुछ कहेंगे तो इनको पता है हरी बत्ती जलनी है, फिर हमारी बत्ती नहीं इनकी हरी बत्ती की बात कर रहे हैं। अब भाई साहब ये सामान वामान छोड़ने लगते हैं, हम कहे यार लाओ रिवाइव कर ही देते हैं। अब भाई जैसे रिवाइव होते हैं हमारे अंदर एक दोगलापन वाला विचार आता है, हम भाई इनको मौली कर देते हैं, ये हो जाते हैं नॉक। लेकिन गाइस अब हम इनको रिवाइव नहीं करेंगे, अब देखो हम क्या करते हैं, इनका ऐसी पेटी बनवाएंगे इनकी कि अगर रात को सोते समय याद कर लिए तो भाई साहब रात की नींद हराम हो जाएगी इनकी। अबे साले इधर कहाँ रहे, अबे यार उधर चल यार उधर बंदे हैं, साला बचने की कोशिश कर रहा है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं कितना दरिंदा हूँ, भाई साहब इसने जो दरिंदगी दिखाई ना मैं भूल नहीं सकता, मारो बे कहाँ हो। हाँ गाइस पेटी बन गई, अब साला याद रखेगा मेरे को। अब गाइस हमारा टीममेट कुछ मराठी में कह रहा है लेकिन हम आपको सुना नहीं सकते, कहे कि एक बार गुजराती वाला हम भोग चुके हैं भाई, अब आगे आप ही लोग अंदाजा लगा लो क्या कह रहा होगा। मुझे जहाँ तक लगता है यार कि थैंक यू बोल रहा होगा, क्योंकि यार गुजरात वाले ने भी कुछ ऐसा ही थैंक यू बोला था, लेकिन कमेंट में पता नहीं क्यों बता रहे थे गाली वाली लिख रहा है। लेकिन छोड़ो यार हमको उससे क्या, थैंक यू बोल रहा है तो यार हम भी थैंक यू सो मच बोल देते हैं ना। अब ये लोग गाइस मजे में तो हमारे टीममेट को मार लिए, इनको लगता है ये बच जाएंगे, रुको सालो इनकी इनकी तो ऐसी कम तैसी ज्यादा,
सालों का घोड़ा बना दिया गाइस, घोड़ा। अब गाइस अभी अभी हमने एक की व्यवस्था की, तभी ये लोग अभी ताक झाक में लगे हुए हैं। इनको लगता है हमारा सप्रे जोनाथन की तरह मार ही देंगे। नहीं, ऐसा तो हमको लगा था। खैर छोड़ो यार, एक लौंडा इनको स्मोक करने की तैयारी में, मतलब रिवाइव करने की तैयारी में लग रहा है, लेकिन साले को नॉक ना कर दिया तो कोई नहीं। हंसे क्या गाइस, वो दिख नहीं रहा था हमको। अब गाइस यार, हम वहाँ पे एम लगा के बैठे रहे होते हैं तो इनको हमारे एम पर कन्फ्यूजन होता है, वो हमने दूर कर दिया। अब भाई लास्ट वाला बंदा बचा है, वो साला इतनी खिचड़ी पकाता है, हम खुद पक जाते हैं यार उसको मारने के चक्कर में। मैं तो कहता हूँ यार, ऐसा टीममेट और ऐसे एनिमी किसी के हाथ लगे ही ना, ना तो साला अपने टीममेट को रिवाइव दिया, ना तो हमारे किल में आया। लेकिन गाइस यार, आप टेंशन ना लो, हमसे क्रश भले ना सेट हो, लेकिन बंदे सेट कर देते हम अच्छे अच्छे को। लेकिन गाइस यार, ये हमसे भी बड़ा महान निर्लज्ज मानुष निकला यार, साला जोन आने वाला है एक मिनट में, लेकिन बंदा वहां से टस कमस नहीं हुआ। अब गाइस हम सोचते हैं यहां से जाने को, लेकिन इनको लगता था कि यही दुनिया के सबसे आखिरी बुद्धिमान इंसान है। अब भाई यार, हमारे पास कम एमो था, हम स्प्रे मारते भाई साहब नॉक हो जाता है। अब गाइस हम मजे में इनको लूटने आते, देखते इनको कोई रिवाइव ही नहीं करने आया, लगता है इसने भी अपने टीममेट को मारा है हमारी तरह। टीममेट को तभी मारना सही होता है जब आपको बंदे मारने आते हो, नहीं तो यार बंदे कौन मारेगा। अब इसका देखो टीममेट जिसको इसने मारा होगा, भाई साहब अभी क्या उसने गाली बंद की होगी, अब तो और दे रहा होगा। वैसे मेरा भाई टीममेट अभी दे ही रहा है, नहीं थैंक यू बोल रहा है। लेकिन यार गाइस, अगर तुम्हारे भाई के साथ कोई टीममेट ऐसा करे ना, तो यार मैं गाली वाली नहीं देता, अगर वो गर्ल टीममेट होती तो। लौंडा होता तो पता नहीं यार मुझे क्यों सात पुस्तों की गाली याद आ जाती है, बस वही रिवाइज कर लेता और कुछ नहीं। खैर छोड़ो, जो हाथ में पकड़े हो और सब्सक्राइब कर दो। अरे छोड़ दो यार, वो नहीं गिरेगा।